हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर करंट अफेयर्स सेशन बाय ऑर्फिकी। आज की डेट है 22 मार्च। माय नेम इज माइंड क्रैक। लेट अस बिगिन। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख और उनके अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगाए हैं बाय द एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। हाल ही में ही आपने ऑर्फिकी की न्यूज में सुना होगा दैट परमवीर सिंह हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हेमंत नागराले एज द पुलिस कमिश्नर ऑफ बॉम्बे। उन्होंने रिजाइन करने के बाद एक ईमेल लेटर लिखा टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र दैट इज उद्धव ठाकरे और उनको बताया दैट अनिल देशमुख वाज इन्वॉल्वड इन ब्राइबरी एंड करप्शन। अब किस तरीके की ब्राइबरी और करप्शन थी? द होम मिनिस्टर आस्क्ड द सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हियर दैट इज सचिन वाजे अलॉन्ग विद अदर ऑफिसर्स टू कलेक्ट ₹100 crore एवरी मंथ फ्रॉम एवरी बार एंड पब ऑफ द सिटी। तो इस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए अनिल देशमुख सर के अगेंस्ट। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, आल्सो नोट दैट सचिन वाजे द ऑफिसर इन डिबेट वाज प्रीवियसली सस्पेंडेड फॉर 16 इयर्स ओवर अ कस्टोडियल डेट। यस, सचिन वाजे जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है आज की डेट में, ही वाज सस्पेंडेड फॉर 16 इयर्स बिकॉज उनकी कस्टडी में किसी प्रिजनर की डेथ हो गई थी। नाउ ही वाज रीइंस्टेटेड इनटू हिज सर्विस बाय परमवीर सिंह एंड अगेन ही इज इनटू कंट्रोवर्सी बिकॉज ऑफ द अंबानी केस। And last, शरद पवार सर ने अपना स्टेटमेंट क्या दिया है? He gave a very diplomatic statement saying that जो allegations लगे हैं बहुत serious हैं। But in the given time, जहाँ पे परमवीर सिंह को निकाल के हेमंत नागराले से replace कर दिया गया है, वहाँ पे ऐसे allegations लगना जायज भी हो सकता है। So he is given a very diplomatic statement supporting both the sides. Now let us go to the next news. A good news in fact, Indian और इजराइल की दो companies हैं। Indian company का नाम है Premus Biotech. If you're able to see, Premus Biotech, it is a Gurugram based pharma company along with Jerusalem based company Oramed Pharma. इन्हें मिलके एक कोविड वैक्सीन बनाई है जो अभी अपने प्रिलिमिनरी टेस्ट फेसेस में है, जो कि एक पिल के फॉर्मेट में होगी। यू विल हैव टू स्वैलो इट एंड आपकी बॉडी में वो इंजेक्ट नहीं होगा, राइट? सो ये तरीके का एक कॉन्ग्लोमरेशन आया है। दो नई कंपनी है, उसका नाम है Oravax. Okay? So Premus Biotech from Gurugram along with Oramed Pharma from Jerusalem. So now we would have a vaccine जो swallow की जा सकती है rather than getting injected. पर ये अभी अपने preliminary basis पे basically ये अभी अपने lab rat phase में है और company के हिसाब से at least it will take 3 to 6 months in order to come to the application phase. Okay, so the next news is about China and Philippines. दो ऐसी neighboring countries जो generally थोड़ा fight पे रहती ही रहती हैं. So China military boats were found in the neighboring country's territory near Whitsun Reef of Palawan Island. So, Palawan Island के एक रीफ के अंदर चाइना की कुछ 220 मिलिट्री बोट्स बोल सकते हो या वेसल्स मिली हैं। Now, this area of Palawan Island is actually not the whole sole territory of Philippines. इसको हम बोल सकते हैं EEZ, that is exclusive economic zone. Obviously, that is also a part of Philippines, but yet not the core territory. Also, the Philippine government has urged Beijing to call out for emergency measures to stop this incursion in the territory. फिलीपींस के हिसाब से चाइनीज ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू गो एट अ वॉर और काइंड ऑफ यू नो प्रोवोकेटिंग एक्शन है उनके तरफ से, बट दे डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो उन्होंने बीजिंग को बोला है कि आप प्लीज कॉल आउट करिए फॉर सम इमरजेंसी मेजर टू स्टॉप दिस इंकर्जन। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज क्यों चाइना हमेशा हर कंट्री को सी रूट के थ्रू परेशान करता है। प्रोबेबली बिकॉज चाइना रियलाइजेस दैट इट इज द मोस्ट पावरफुल नेशन व्हेन इट कम्स टू द सी। यस माय फ्रेंड्स, चाइना के पास आज की डेट में यूएस और रशिया से ज्यादा अच्छे वेसल्स हैं जो पानी में उतार के वो जीत सकते हैं वॉर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज द कोविड-19 अपडेट। द न्यू कोविड अपडेट फॉर टुडे इज द न्यू डेली केसेस आर 43,846। अब ये बहुत ही चिंताजनक फिगर है, प्रोबेबली बिकॉज वी हैड रीच्ड द लेवल ऑफ 20,000 एंड अगेन वी आर बाउंसिंग बैक टुवर्ड्स द लेवल ऑफ September 2020 जहां पे इंडिया ने अपनी फर्स्ट वेव का पीक देखा था ऑफ डेली 1 lakh केसेस। सो वी आर हाफवे देयर एंड आई प्रे वी डोंट रीच द सितंबर केसेस। Now the total number of cases are 11.6 million. Highest number of single day cases मिले हैं महाराष्ट्र से जो है 27,000. अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा केसेस आ रहे हैं पुणे, थाने, वाशी एंड ऑब्वियसली द हार्ट ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट, द टोटल डोजेस एडमिनिस्ट्रेट, सो 4.4 करोड़ ऑफ वैक्सीन्स अभी तक निकल चुकी हैं और काफी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स 7.7 मिलियन फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वन डोज ऑफ वैक्सीन मिल चुकी है, जबकि 4.8 मिलियन हेल्थ वर्कर्स को अभी दोनों डोजेस ऑफ वैक्सीन मिल चुकी है। ऑल्सो अगर आपको याद हो तो फेज टू जब वैक्सीनेशन का चालू हुआ था तो 45 इयर्स के ऊपर जो कोमॉर्बिडिटीज कैरी करते हैं उनके लिए वैक्सीन का प्रोसेस चालू हुआ था, वैसे कुछ 17 मिलियन सिटीजंस को भी वैक्सीन मिल चुकी है। सो द ओनली वे टू अवॉइड द सेकेंड पीक ऑफ कोविड-19 इज टू मेक श्योर दैट वी रिस्ट्रेन द वायरस बाय फॉलोइंग द मास्किंग प्रोसेस दैट हैज बीन यू नो इनिशिएटेड, ऑल्सो टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज वैक्सीनेटेड व्हेन द वैक्सीन इज अवेलेबल। नाउ
I'll give you some homework for today's reading. The first news is about the vacancies जो आई हैं अभी Supreme Court में. आपको पता होगा that the CJI of India शरद अरविंद बोबड़े, उनका retirement में just एक या दो महीने बाकी हैं. So now there are in total 5 vacancies in the Supreme Court of India. उनको fulfill करने के लिए collegium फिर बिठाना पड़ेगा. और वो किस तरीके से पूरा process होगा, you can give a read to this article. And the second news is about research institutions. They want a legislation to rule right to health. मतलब अभी तक राइट टू हेल्थ नाम का कोई लेजिस्लेशन आया नहीं है, बट इन द गिवन बजट दिस ईयर हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और एक रिसर्च टीम बिठाई गई है टू एंश्योर कि एक हेल्थ के ऊपर भी हमारा राइट होना चाहिए डेडिकेटेडली. सो इफ यू रीड दिस आर्टिकल यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट व्हाट आई हैव जस्ट मेंशन. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट करंट अफेयर्स सेशन. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग.